नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक, जिसको दुनिया ने भी अब रिकॉग्नाइज किया है। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जिनको दुनिया ने भारत के सबसे टॉप सोशल साइंटिस्ट के रूप में रिकमेंड किया है, उनको उनकी पहचान दी है। सोचिए, ऐसे दौर में जब एससी एसटी ओबीसी के खासकर पीएचडी होल्डर को कॉलेज यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, उस दौर में प्रोफेसर विवेक कुमार ने जेएनयू में, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सोशल साइंस के, और उन्होंने कोट भी किया है कि जाति जनगणना से जुड़ा हुआ है कि किसी भी समाज को जब तक शैक्षणिक और संवैधानिक और आर्थिक रूप से जब तक वो समाज संपन्न ना हो, तब तक उसकी भागीदारी पूरी नहीं होती है। सर, बधाई पहले तो पूरे देश की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से। धन्यवाद शंभू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम संज्ञान लिया, क्योंकि तो जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य धारा का, चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो इस बात को संज्ञान नहीं लेता है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इसका संज्ञान लिया। सर, लेकिन सब कुछ अब किसी के संज्ञान लेने के मोहताज नहीं है कोई। इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर आपके कोट्स और ये जो आपके बारे में जो खबर है वो बहुत वायरल हो रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो उससे अनजान होगा। हाँ, अनजान हो ना हो, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो अपने आप को बहुजन समाज के दानिश्वर कहते हैं जी, जो अपने आप को बहुजन समाज का लीडर मानते हैं या इंटेलेक्चुअल बनते हैं, मुझे लग रहा था कम से कम उनकी तरफ से तो एक फोन आना चाहिए या उनकी तरफ से एक लाइन लिखी जानी चाहिए। मुझे ये लग रहा था, क्योंकि वो अक्सर हर विषय पर समाज को जो है दिशा देने का काम करते हैं, और जब समाज का कोई सकारात्मक अर्जन है तो वो कुंभकर्ण की नींद सोए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है। नींद नहीं है, जानबूझकर किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे जगाया जाए। सर, आप कैसे देखते हैं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ये लिस्ट जारी की है जी, तो अगर ये भारत के लोगों को लिस्ट जारी करना होता तो वहां भी अनदेखी हो जाती। मुझे लगता है कि जैसा कि आपने अभी बताया ना कि अब अनदेखा करना मतलब बहुत मुश्किल है, और वैसे तो मेरे समाज के लोग और आप लोग भी हमेशा हमको विश्व विख्यात समाज विज्ञानी कहा करते थे। आज सर्टिफिकेट आ गया है तो और भी मोहर लग गई है जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है शंभू की, इसको उन्होंने क्या किया है कि जो गूगल स्कॉलर्स पर किस तरह लोग साइट करते हैं, विभिन्न पूरे विश्व में किस तरह मेरे कार्य को उद्धृत किया जाता है, जो भी हमने लेख लिखे हैं, जो हमने भाषण दिए हैं, और उनके यहाँ क्योंकि आजकल एक रिसर्च गेट भी एक ऐसा जो साइट है जो कि केवल विश्वविद्यालय के इंजन से खुलता है, तो उसमें हर वीक आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने विश्वविद्यालय में लेख कहाँ कहाँ पढ़े जा रहे हैं विश्व में, और 10-12 राष्ट्र तो हमेशा लगता है। 643 बार सर आपको कोट किया गया है किसी भी भारतीय प्रोफेसर के मुकाबले। जी, 643 उस समय जिस समय लिस्ट बन रही थी, जिस समय ये रैंकिंग हो रही थी उस समय 643 था, अब 668 हो गया है, तो ये लगा दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मायने रखता है, और इसीलिए लोग उसको उद्धृत करते हैं। अगर कपोल कल्पित कथा है तो फिर उसको उद्धृत नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं वह वस्तुनिष्ठ आकलन है और वह काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं वो बोलते हैं और पता चलता है कि उनकी अगले दिन बात खरी नहीं निकली, गलत हो गई, तो इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स को कम कोट किया जाता। जेएनयू सर भारत में टॉप इंस्टीट्यूट है, आप जेएनयू में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सोशल साइंस के, और एक आपकी दोहरी जिम्मेदारी भी है, आप समाज वैज्ञानिक हैं, और जो जिस समाज से आप आते हैं उसमें उस समाज वैज्ञानिकों की बहुत जरूरत है, तो ये जो दोहरी जिम्मेदारी है उसके दोहरे खतरे भी हैं।
उससे पार करना कितना मुश्किल है जी लेकिन शम्भू एक बात मैं आपको बताना चाहूं कि आप देखिए कि जो हमारा विभाग है समाज शास्त्र विभाग जी मैं अब उसका वैसे विभागाध्यक्ष नहीं बचा क्योंकि अब मेरा टर्म पूरा हो गया है जी, लेकिन 5 वर्ष तक मैं लगातार रहा और 5 वर्ष तक मेरे विभाग ने विश्व में कभी 50 कभी 52वीं रैंकिंग कभी 58वीं विश्व में और एशिया में हम लोग 8वें नंबर पर और भारत में तो हम पहले नंबर पर ही हैं। तो इसलिए एक हमारा जो कर्तव्य बनता है और वो हम लोग निभाते हैं कि हम अपने समाज का हम अपने विभाग का भी कार्य देखें अपने स्टूडेंट्स का कार्य देखें और जो हमको कार्य मिलता है पढ़ाना वो भी करें चाहे वो पीएचडी थीसिस हो उसको भी हमें करना होता है देखना होता है बच्चों की। तो उस प्रकार मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लेवल्स पर हमारी जिम्मेदारी है एंड आज बड़ा मतलब खुशी होती है कि वी हैव लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन और इसीलिए विश्व में कहीं ना कहीं जो रैंकिंग आई है वो विश्व में अच्छा लगता है। आपके नाम सर पीएचडी कराने का भी रिकॉर्ड है वो एक्चुअली अभी तक मैं 85 एमफिल पीएचडी करा चुका हूं और जिसमें से 22 से 23 बच्चे जो हैं जी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी और कई बच्चे आपको पता है वो आईएएस आईएएस भी है हाँ मैं जानता हूँ जी और पीसीएस भी हैं। तो लगता है कि समाज को हमने और मेरे विश्वविद्यालय ने मेरे विभाग ने मुझे लगता है और आप सबकी दुआओं ने कहीं ना कहीं कुछ फर्क डाला है कि मैं इस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया हूं। सर गर्व है आप पर समाज को और लोग बोलते भी हैं उसको सुनते भी हैं। अभी जो सर ताजा हालात हैं जो जिस तरह से अगर सामाजिक परिवेश की बात करें तो बहुजन समाज में प्रोफेसर विवेक बनने के लिए किस तरफ समाज को सेंट्रिक होना चाहिए किस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए खासकर जो जो बीकर सेक्शन के लोग हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है शम्भू जी आपने ये जो कहा मुझे लगता है कि देखिए अगर आप विश्वविद्यालय विधा में एक टीचर बन करके आए हैं प्रोफेसर बन करके आए हैं तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने विषय को बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से पढ़ा रहे हो लेकिन केवल पढ़ाना एक काम है जी, उसके विषय में आपको रिसर्च करना होगा जी, जब आप शोध करते हैं और शोध करके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में जब शोध ग्रंथ पैदा करते हैं पब्लिश करते हैं ये नहीं आपने अपने आप लिखा और अपने ही पब्लिशर से पब्लिश करा लिया और पैसा दे के पब्लिश करा दिया वो आपका ज्ञान उत्पादन नहीं माना जाएगा। तीसरी तरफ आप अपने छात्रों को रिसर्च करा करके पैदा करते हैं और चौथी तरफ आप समाज के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं तब कहीं जा करके एक मुकम्मल प्रोफेसर बन पाता है वरना आप भाषण बड़ा अच्छा देते हैं लच्छेदार देते हैं लेकिन आप न लिखते हैं न आप लिखा पाते हैं और न आप शोध कराते हैं और न ही आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के कोई भाषण देते हैं या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में आपको पता है कि मैंने जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया और मैंने हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में पढ़ाया मैंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी अभी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स उसमें भी भाग लिया और कनाडा के चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया हो ब्रिटिश कोलंबिया हो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ साइमन फ्रेजर हो चाहे वो टोरंटो हो वहां पर मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो है व्याख्यान भी दिया। तो एक मुझे लगता है कि आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है और वो भी अपने क्षेत्र में जैसे मैंने अपने समाजशास्त्र का हाथ कभी नहीं छोड़ा। अब ये नहीं कि आप दलित में गए तो आप दलित समाजशास्त्री बन जाएंगे ऐसा नहीं है समाजशास्त्र पहले करना पड़ेगा अगर आप इतिहासकार हैं तो आप इतिहास पढ़ाइए अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट पढ़ाइए लेकिन लोग ये नहीं कर रहे हैं और वो केवल दलित समाज में आके भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं वो अच्छे प्रोफेसर बन जाएंगे। सर आप जब ग्लोबली जब आप जाते हैं और जब इन सब इश्यूज को रखते हैं जो आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं
आप इस समय दुनिया भर के राजनीतिक चेतना हो, सामाजिक बदलाव हो, इस सबको पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, उसको जी भी रहे हैं, और एक बड़ एक 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 मतलब इसको फॉर्चुनेट मैं तो कहूंगा, मैं तो सौभाग्यशाली कहूंगा कि आप, आपकी बहुत जरूरत भी है उस समाज को। तो क्या अंतर पा रहे हैं भारत में जो सोशल साइंटिस्ट हैं और जो सोशल चेंज होने चाहिए, सरकारों को जो आप जैसे लोगों से जो सलाह लेनी चाहिए कि कैसे सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि भारत के नागरिक एक समाज के तौर पे और देश भी सशक्त हो, क्या कहीं लग रहा है कि भारत में वो कमी रह जा रही है जो दुनिया के दूसरे देशों में आपको जिस तरह के रिकॉग्निशन मिल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि वास्तविकता तो दिखाई पड़ती है कि हम लोगों को अभी जो समाज विज्ञानी हैं या समाज शास्त्री हैं उनको उस प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन संस्थागत जो भूमिका है उसके अंदर नहीं रखा जाता, और ये कहा जाता है कि भाई अगर वो फॉरेन कंट्री से कोई डिग्री लेके आया है तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, और जो भारतवर्ष की डिग्री है और वो भी दलित समाज के किसी व्यक्ति की डिग्री है तो वो इतना योग्यता नहीं रखता है कि वह समाज को या समाज के किसी संस्थान के अंदर रह करके काम करे। तो आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार की उपयोगिता हमारी होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें अभी कमी है। तो कैसे, मैं बस एक समझना चाह रहा हूं कि क्या आप यूजीसी है या कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं आप जैसे लोग, या फिर जो सोशियो पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ICSR हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, कहाँ जरूरत है? क्योंकि बहुत हाल के दिनों में जिस तरह की कमी दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ भी एक समाज विज्ञान के तहत ही आप जैसे लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, बराबर का मौका नहीं दिया जा रहा है? हाँ, इक्वल पार्टिसिपेशन तो नहीं है ये। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप देखें कि 80 कॉलेजेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध, एक भी दलित वहां पर प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक नहीं है। और अगर इसी तरह आप केंद्र विश्वविद्यालय देखें तो कोई 45 विश्वविद्यालय कहता है, कोई 54 कहता है, एक भी विश्वविद्यालय में दलित समाज का यानी कि शेड्यूल कास्ट का कोई वाइस चांसलर आपको नहीं मिलेगा। और ये जो होते हैं अपॉइंटमेंट, ये कहीं ना कहीं जो जिस समय की सत्ता होती है वही करती है। और उसी तरह स्टेट में आप चले जाएं, स्टेट विश्वविद्यालयों में, वहां पर भी जो इंटेलेक्चुअल हैं, दलित इंटेलेक्चुअल हैं, वह अभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर या प्रधानाचार्य वो नहीं बन पा रहे हैं। और विशेषकर जो शिक्षा की उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, चाहे वो ICSR हो चाहे वो UGC हो, उनकी कमेटियों के अंदर भी मुझे लगता है कि हम लोगों की खपत नहीं है और हम लोग अभी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये या तो मुझे लगता है कि इंटरैक्शन की कमी है और या फिर जानबूझ करके देखा नहीं जा रहा है। लेकिन सर, डिस्कोर्स तो आप लोगों ने शुरू कर दिया, आपने जो ट्वीट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के 80 लगभग कॉलेजेज हैं वहां प्रिंसिपल नहीं है, मेरे जानकारी में तो सिर्फ एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हिंदी में, सयोजी बेचैन, तो वहां जो लैक ऑफ जो है, इसको लेकर डिस्कोर्स तो सर शुरू होगा, इसको कैसे देख रहे हैं? डिस्कोर्स तो हो रहा है, बातें हो रही है, जो आपके यहाँ से बातें निकल रही है लोग उसको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? नहीं, अगर मान लीजिए ये बात डिस्कोर्स बना रही है तो आने वाले समय में जो वर्तमान सत्ता है वह इसका संज्ञान लेकर के जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि शिक्षा अपने आप में माकूल वो नहीं है, कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय सीखता है। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा दो विश्वविद्यालय, एक बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की और दूसरा बाबा साहब अंबेडकर जो महू का, जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ था वहां पर जो विश्वविद्यालय बना, दोनों विश्वविद्यालयों में दलित प्रोफेसर वाइस चांसलर हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में मैंने ये देखा है कि वो परिपाटी भी टूट गई है, और ये परिपाटी कांग्रेस ने भी तोड़ी थी जब जो है उन्होंने
एक किसी अन्य व्यक्ति को बना दिया गया था, लेकिन उसके पहले वहां पर दलित समाज के ही वाइस चांसलर बनते थे, एक ऐसा माना जाता था। जिस तरह आप देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, वहां पर कंटेक्स्ट समाज से लोग होते हैं, माइनॉरिटी समाज के ही बनते हैं। तो ये एक मुझे लगता है अनदेखी हो रही है, और ये कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए सरकार को इसमें। सर अभी जो जो एक बड़ा जो उथल पुथल चल रहा है, जिसको आप लोगों ने काफी पढ़ा है, माननीय कांशीराम साहब ने उसको जिया है, ये जो कास्ट सेंसस के जो आंकड़े आए हैं, क्या इसका क्या सोशल इम्पैक्ट देख रहे हैं आप सोशल साइंटिस्ट के तौर पे? एक सामाजिक विज्ञान होने के विज्ञानी होने के नाते अगर हम इसका ऐतिहासिक आकलन करें तो शंभू क्या है कि आप देखेंगे कि सबसे पहला इसका प्रयोग एक तरह से जो पिछड़ी जातियों ने अपना राजनीति में क्या हक है उसकी बात होगी, दूसरी तरफ जो है आर्थिक क्षेत्र में बात होगी यानी कि मार्केट में, और तीसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बात होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में देखेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन वहां नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व देखेंगे तो लगभग लगभग हर जगह ऐसा लगता है कि उनके वोट हैं और वो अपनी दल बना लेते हैं और या फिर दूसरी पार्टी में चुन करके आते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके एमपी में 29 एमपी कम से कम जो है बैकवर्ड क्लासेस के हैं, लेकिन ये बात वो लोग यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कह सकते कि बैकवर्ड क्लासेस के प्रोफेसर भरे गए हैं या नहीं भरे गए हैं। हमारे यहाँ भी 2-4 हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल में मिल जाएं। और तीसरी तरफ क्या ऐसे बिजनेसमैन हैं जो लोग सचमुच ओबीसी समाज से आते हैं, और क्या जो सत्ता के साथ साथ संसाधन है, संसाधन में क्या है उनकी नुमाइंदगी? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सत्ता में करना पड़ेगा, संसाधन में करना पड़ेगा, शिक्षा में करना पड़ेगा, और उसके बाद वह सरकार जो पावर में है उस समय क्या उनको वो प्रतिनिधित्व देती है। मैं कह रहा हूं इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसमें उनको निर्णय लेने की क्षमता मिल सके या निर्णय लेने की आजादी मिल सके, वरना प्रतिनिधित्व तो मिलता है लेकिन निर्णय लेने की आजादी नहीं मिलती है। लेकिन इसका एक और बड़ा जो समाजशास्त्रीय इंपैक्ट, उसको हमें समझना होगा कि क्या जातियां जो न्यूमेरिकली कम है, जो बहुत कम है न्यूमेरिकली, क्या उनको प्रतिनिधित्व मिल पाएगा राजनीति में? जैसे कि माननीय कांशीराम नाई समाज था, पाल समाज था, गरेड़िया समाज था, अगर उनके एमएलए नहीं बन पाते थे तो उनको एमएलसी बना देते थे या उनको राज्यसभा भेज देते थे। तो क्या जो राजनीतिक सत्ता है बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, क्या जिनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो एमएलए बन पाए, क्या उनको वो एमएलसी या राज्यसभा भेजेंगे? ये अगर प्रतिनिधित्व मिला तब तो जनगणना का मंतव्य सुलभ हो सकता है, वरना गिनती तो हो जाएगी लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। सर मैं दो चीजें और समझना चाह रहा हूं, मैं आप ही के कोर्ट से। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो एससी एसटी का एक रिप्रेजेंटेशन तय है, ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो आई है, लेकिन आपके नजरों में इकोनॉमिकल और जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, फिल्म, ये जो तमाम जो पावर सेंटर्स हैं जहां पैसे भी हैं, सम्मान भी, और जिसका सोशल इंपैक्ट है, क्या इन सब जगहों पर बगैर आए इसका कोई मतलब है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी का? क्योंकि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के डाइवर्सिटी तो ये पूरा था। ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है शंभू आपने, क्योंकि इसको ही एक समाज विज्ञानी है जिनका नाम है पेरियार बोर्ड्यू, तो वो कहते हैं कि जो हमारा संसाधन है या जो हम जिसको पूंजी कहते हैं, पूंजी केवल और केवल पैसे या मिल्कियत से नहीं होती, प्रॉपर्टी से नहीं होती, पूंजी सांस्कृतिक भी होती है। और आपने बहुत सही कहा, बहुत सही प्रश्न पूछा कि सांस्कृतिक पूंजी, वो एक्टिंग हो, वो चाहे खेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, इन सांस्कृतिक पूंजी में क्या प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि शिक्षा के अंदर तो देखिए आरक्षण हुआ है,
और लेकिन अभी मैंने पाया है कि छात्र और छात्राएं, पिछड़ी समाज के छात्र और छात्राओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी शिक्षकों की संख्या नागण टाइप में लग रही है, वो नहीं है। दूसरी तरफ खेल में चाहे वो कुलदीप यादव हो चाहे वो सूर्य यादव हो, दो लोगों का तो नाम समझ में आ जाता है, लेकिन दूसरों रिंकू सिंह भी आए हैं, कास्ट कम्युनिटी से हैं। हाँ, वो भी आए हैं और उधर कटारिया भी है। तो अभी एक तरह से मुझे लग रहा है कि छिटपुट जो है बात दिखाई पड़ रही है। फिल्म में भी यादव लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था, आपको पता होगा, जिसे कहना चाहिए कि वो लोग अपने आप की अपनी जगह बना पाए। लेकिन जहां पर अभी पैसा और पूंजी जो है बड़ी विपरीत परिस्थितियों से आ रही है, क्या उनको फाइनेंस मिल पाएगा या वो ओटीटी पर जाएंगे? और अगर ओटीटी पे जा करके वो अपना काम कर सकते हैं छोटे पैसे से, या कुछ यूट्यूब चैनल चला करके कर सकें, तो मुझे लगता है कि मिल पाएगा। लेकिन मुख्य धारा के बिजनेस में अभी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ये बात तो एकदम साफ। अच्छा, मीडिया मैं तीन चीजों पर आना चाहता हूं सर, जो मुझे लगता है कि जो पावर सेंटर्स हैं और जहां से परसेप्शन बनते हैं और डिस्कोर्स शुरू होता है, मीडिया, जुडिशियरी और कॉलेज यूनिवर्सिटी। देखिए, चार पांच हैं बहुत आराम से। पॉलिटी यानी कि राजनीतिक सत्ता, जहां पर उनको निर्णय लेने की क्षमता है, कानून बनते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो कानून लागू करती है, और जुडिशरी जो दोनों का मतलब मिलान करके और उसको संविधान संबद्ध बताती है, और चौथी तरफ यूनिवर्सिटी जहां से डिस्कोर्स पैदा होता है, और पांचवी तरफ इकोनॉमी यानी कि इंडस्ट्री। इन पांचों क्षेत्रों के अंदर अगर हम प्रतिनिधित्व देखें तो उसकी गणना जब तक रिसोर्स मैनेजमेंट के नहीं होगी, जब तक जनसंख्या के आधार पर जनगणना ना हो जाए, ब्यूरोक्रेसी की और यूनिवर्सिटी की, जुडिशरी की, पॉलिटी की, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि उनका प्रतिनिधित्व कितना है। तो इसके लिए सत्ता को श्वेत पत्र लाना पड़ेगा कि वास्तविकता में जुडिशरी की भी हम जनसंख्या की गणना करा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की, यूनिवर्सिटी की और सिविल सोसाइटी सबकी करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। अगर हम नहीं करवा सकते, देखिए 8 लाख का आपने कैप लगा दिया, 8 लाख का कैप लगाने से आपने कितनी जनता, आज तक तो 8 लाख तो कोई माने नहीं रखती है, और उस पे आपने समण को भी 8 लाख कर दिया, जिसको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ईबीसी बना करके, और बैकवर्ड क्लास जो कि शिक्षा और सत्ता दोनों से वंचित था, उसको भी आप 8 लाख बचा रहे हैं। और ये तब हो रहा था जब संविधान लगा था, तो 40 साल वो निकल गए, और 40 साल में मेहनत करके 95 तक जब तक खड़ा हुआ बैकवर्ड क्लासेस, तो आपने उसको वंचित कर दिया 8 लाख की कैप लगा करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता भूल सुधार भी होना और बैकलॉग को भरना ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा। सर आप एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं, क्या जाति जनगणना से वो तबका जो जिसकी संख्या लगभग 10% आ रहा है, भले वो संसाधन में है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया और पॉलिटिकल भी ओवर रिप्रेजेंटेशन है, क्या लेकिन एक डर नहीं है कि वो साइड हो जाएंगे, या अगर जो राजनीतिक बदलाव अगर हो और अगर ये सोशियो और जो सोशल जो कास्ट सेंसस है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो एक खतरा ये भी तो है कि उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो संविधान है, संविधान सबको प्रतिनिधित्व देने की बात करता है। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता में दल हैं या जो सांस्कृतिक पूंजी है, वो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी है, वो एक पीढ़ी में या दो पीढ़ी में या 10 पीढ़ी में खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए जो लोग सदा सत्ता में बने रहे हैं, क्या वो लोग हमेशा बने रहने के लिए आए हैं, ये भी एक प्रश्न है। क्या सत्ता का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए? जो लोग सत्ता में आ चुके हैं, वह जब तक अपनी सत्ता उनके हाथ से नहीं जाएगी, और जो सत्ता वंचित रहे हैं, सत्ता अच्युत रहे हैं, जब तक वो सत्ता नहीं लेंगे, तब तक डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का सही रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जिनके पास सत्ता हजारों वर्षों से है, वो ये सोचेंगे, अरे हमारे पास सत्ता तो जाएगी नहीं,
इसलिए हमें जो कानून बनाना है हम बना लें। लेकिन अगर उनके मन में यह डर आ जाए कि हमारे मन में हमारे हाथ से सत्ता जा सकती है, तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक रूल बनाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि वही रूल जब सत्ता से वंचित लोग सत्ता में आएंगे तो वही लोग लागू करेंगे। तो इसलिए ज्यादा डेमोक्रेसी का एक खुला रूप हमको दिखाई पड़ेगा, प्रजातंत्र ज्यादा सुसंगठित और ज्यादा बलवान होगा ऐसे कार्यक्रम से। एक आखिरी सवाल सर मुझे जो पॉलिटिकल है पूछना, उसके बाद मैं फिर आऊंगा आपके पढ़ाई लिखाई जो आपके अवार्ड जिस तरह से, कोई पॉलिटिकल बिल पावर लगता है खासकर बीकर सेक्शन के नेताओं में या कोई ऐसे दलों में जो कास्ट सेंसस के जो सोशल इम्पैक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जिस तरह से भी राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो हाथ उठवा रहे हैं, पत्रकारिता में सबसे पहले जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दिस इज ओनली पॉलिटिकल, ये सिर्फ राजनीति के उनका नारा है, या आपको लगता है कि इवन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी पॉलिटिकल लीडर में, जैसे मान्यवर साहब थे या बाबा साहब थे, जगदेव प्रसाद थे, इस तरह का बिल पावर दिखता है आपको? देखिए मुझे याद है कि राजीव सरदेसाई के साथ एक एक्चुअली मैं प्रोग्राम कर रहा था कास्ट सेंसस पर, तो राजीव सरदेसाई ने मुझसे पूछा, प्रोफेसर विवेक कुमार, वेदर इट इज इनविटेबल और डिजायरेबल। तो मैंने कहा कि ये डिजायरेबल है इसलिए इनविटेबल भी है, यानी कि अगर ऐच्छिक है तो ये जरूर होगा। तो कास्ट सेंसस देर हो सकती है लेकिन समाज का कोई भी राजनेता इसको रोक नहीं सकता। जिस प्रकार की चेतना पिछड़े समाज में, जिस प्रकार की चेतना वंचितों में पैदा हुई है, वह कास्ट सेंसस करवा के रहेगी, हो सकता है कुछ देर हो जाए। दूसरी बात यह है, जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का रूप हमारे संविधान के अंदर दिया गया है वो अब पैदा हो चुका है, 70 साल का हो चुका है। वैसे तो 70 साल एक देश की आयु में बहुत नहीं होती क्योंकि हमारी सभ्यता 2500 साल है, लेकिन वो बच्चा पैदा हो गया है और वो कलायमान होगा कि इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न इन दी वूम, अपनी कोख में वो फिर से वापस नहीं जाएगा। अब ये चेतना पल्लवित हो रही है, अग्रसित हो रही है और बढ़ रही है। जैसे जैसे ये चेतना बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डिमांड और बढ़ेगी, और कोई भी राजतंत्र की शक्ति इसको नहीं रोक पाएगी। और इसलिए आप देखिए कि किस प्रकार अब अचानक ये जिन फिर से खड़ा हो गया, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस राजनैतिक सत्ता ने इसके साथ खिलवाड़ किया उसका हश्र, कांग्रेस का हश्र जिस तरह तमिलनाडु में हुआ, जिस तरह बिहार में हुआ, जिस तरह उत्तर प्रदेश में हुआ, कि नारा तो दिया उन्होंने जिस तरह का 2014 में हुआ, 42 सीटों पर आ गए सबसे मिनिमम। जी नहीं, क्योंकि नहीं, मैं थोड़ा उसको अलग कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था रिजर्वेशन का, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का। लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट को इन्होंने इफेक्टिव राजनीति में डिसीजन मेकिंग पावर में शामिल किया? वो भी नहीं किया। अब वर्तमान सत्ता भी नारा तो दे रही है बैकवर्ड क्लास रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन क्या उनको जो है सत्ता में भागीदारी बनाने का और निर्णय लेने की क्षमता में वो भागीदारी बना दे रही है या नहीं दे रही है? तो मैं, इतिहास गवाह है शंभू, कि जिसने जिसने आरक्षण के साथ, जनगणना के साथ खिलवाड़ किया वह सत्ता से विलुप्त हो गया। इसलिए जो लोग भी राजनीति में आए हैं उनको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सीरियसनेस से साथ काम करना पड़ेगा, वरना जनता, ये भारत की है, जब मुंह मोड़ती है तो पता नहीं चलता है कि जनता और सरकारें और दल कहां चले गए। सर मैं थोड़ा सा नस्टलॉजिया में मैं ले जाना चाहता हूं, मैं नस्टलॉजिक हो रहा हूं अभी। क्या बाबा साहब को ये सब था, उनको बहुत प्लानिंग था, उनको लगा होगा कि जो बीज में रोप रहा हूं सोशल जस्टिस का, रिजर्वेशन का, कास्ट सेंसस का, ये सारे संवैधानिक प्रावधान उन्होंने किया, क्या उनको अंदाजा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह से एवर होगी, और कोई प्रोफेसर विवेक होगा, कोई कांशीराम साहब आएंगे, कोई जगदेव बाबू आएंगे, कोई मायावती आएंगी,
कोई इस तरह के लोग, मतलब क्या उनका विजन रहा होगा, ये सब विजन था उनका या वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जब हमारा प्रजातंत्र पैदा हुआ तो एक लंबे संघर्ष के बाद पैदा हुआ, और उसके अंदर में जो संघर्ष लोग कर रहे थे आजादी का, चाहे वो आंदोलन रहा हो, वो संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों को प्रजातंत्र में विश्वास था। और प्रजातंत्र में विश्वास, जो कहा जाता है कि प्रजातंत्र जो सबसे पहले, अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखेंगे तो हम संघ में देखेंगे, अपने जो बुद्धा ने संघ बनाए थे, और बाकायदा वहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी मैंने फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया है, मैंने लिया है अपने मास्टर द बुद्धा से। क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी है, वो जो है वो पॉलिटिकल है। उसके अंदर आप कानून बना करके इक्वालिटी के लिए कानून बना सकते हैं, लिबर्टी के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ये प्रश्न किया कि आप इक्वालिटी के लिए कानून बना लें भारत में, आप लिबर्टी के लिए कानून बना लें, लेकिन क्या फ्रेटर्निटी, भाईचारे के लिए भी कोई कानून बनाएंगे? भाईचारे के लिए कोई कानून नहीं बन सकता। और इसलिए यह समाज में जब मूल्य होंगे, जो जनतांत्रिक मूल्य मैंने संविधान के अंदर प्रदत्त किए हैं, जब उन मूल्यों का विस्तार होगा, तब कहीं जा करके एक भाईचारा बनेगा। तो मुझे लगता है जैसे जैसे मूल जो संवैधानिक मूल्यों का विस्तार हो रहा है, उस तरह आप देखिए कि नई प्रकार की सॉलिडारिटी, नए प्रकार के दल, नए प्रकार की आकांक्षाएं और अस्मिताएं पैदा हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो जड़ें थी, उसका अध्ययन बाबा साहब ने किया था, और वह जानते थे कि अगर डेमोक्रेसी एक बार पल्लवित हो गई, रोपित हो गई, तो वो कलायमान होगी, वह टूटती नहीं है। और विश्व के अंदर 200 राष्ट्र हैं, 200 राष्ट्र के अंदर आप देखिए डेमोक्रेसी की तरफ, एक छोटा सा साउथ एशिया है, वहां पर राजशाही थी नेपाल में, डेमोक्रेसी आ गई, राजशाही थी एक्चुअली क्या बोलते हैं मालदीव्स में, वहां पर भी डेमोक्रेसी आ गई, और डेमोक्रेटिक हो गया कंबोडिया, डेमोक्रेटिक हो इस, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ छोटे छोटे राज्य थे वो सब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं ताकत थी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आका, और उसको बाकायदा उन्होंने संविधान के अंदर पिरोया, पल्लवित किया। लोग उन पे इल्जाम लगा रहे थे संविधान बड़ा मोटा हो गया, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए का इंतजाम कर रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी किस प्रकार की है ये मुझे नहीं पता, और क्योंकि भारतीय समाज में डेमोक्रेसी का ह्रास हो गया है और इसकी परत बड़ी पतली पतली है, एक कोट पेंट के कोट की तरह, तो उसको जो है हमें इतना सशक्त बना देना है, और इसलिए मैं डे टू डे अफेयर की बात भी अपने संविधान में पिरो रहा हूं। सर एक एक क्या मैसेज देंगे आप जो जो आपको सुन रहे हैं, सुनेंगे देखेंगे, बीकर सेक्शन को कहां काम करना चाहिए सबसे ज्यादा? मैं सबसे पहले अपने छात्रों को, जो वीकर सेक्शन के छात्र हैं, उनको केवल एक मैसेज देना चाहता हूं, एकलव्या अंगूठा नहीं देगा, ये बात सीख लें। ये जो सुसाइड करते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है, अरे बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा आपको दिक्कत आती है? बाबा साहब अंबेडकर ने फाके रख करके पढ़ा, अगर आप उनके जीवन से सबक नहीं ले सकते हैं तो फिर कैसे आप दलित समाज में रिजर्वेशन लेकर के पढ़ने आते हैं? तो इसलिए मेरा थोड़ा छोटा सा मैसेज है कि अगर सचमुच लड़ना है, संघर्ष करना है, तो एकलव्य अंगूठा नहीं देगा, और एकलव्य दृढ़ निश्चय करके धनुर्धर बनेगा और शिक्षा लेकर के अपने समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा। ये सारी तकलीफें तो आपके जीवन में भी आई होगी सर, क्योंकि आपका भी सोशल वही बैकग्राउंड था, आपसे भी प्रेरणा ली जा सकती है। नहीं, अभी मैं बहुत छोटा इंसान हूं एक तरह से, लेकिन अगर सचमुच लोगों को लगता है तो वो जिसे कहना चाहिए, जिस तरह एकलव्या ने अपना गुरु मान लिया था और जबकि सामने नहीं गया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो
मुझसे सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समाज में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनसे वो सबक ले सकते हैं। लेकिन इतना यह है कि जिस कार्य में भी हो, जिस क्षेत्र में भी वो हूं, उस क्षेत्र का काम पहले करें। हमारे समाज के अंदर दिक्कत यह है कि आप अगर शिक्षक हैं तो पहले आप शिक्षक का धर्म निभाएंगे और उसके बाद दूसरा काम करेंगे समाज में। उसी तरह अगर आप आईएएस हैं तो पहले आप अपना आईएएस का काम करेंगे, सोशल वर्कर हैं तो आप सोशल वर्कर का काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है, व्यक्ति सोचता मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन हाँ जो काम दिया गया है वो नहीं। तो अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, मौलिक काम में अच्छे हैं, तो आप हर काम में अच्छे हो सकते हैं। ये मेरा बाकी के दरवाजे खुलते रहेंगे। बिल्कुल, आप देख लीजिए कि अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो आप अच्छे वक्ता भी हो जाएंगे, आपको बुलाया भी जाएगा, आपको जिसे कहना चाहिए इंटरव्यू के लिए भी करेंगे, समाज को समझेंगे भी आप ठीक से। तो इसलिए आपको पहले जो आपको काम दिया गया है उसमें 100% परफॉर्मेंस देना चाहिए। सर बस एक आखिरी सवाल सर, कि क्या लग रहा है जो जो पॉलिटिकल असर्शन दिख रहा है, सोशल असर्शन भी दिख रहा है, पॉलिटिकल असर्शन भी दिख रहा है, बिना इकोनॉमिकली असर्शन के लक्ष्य बहुत दूर है, या ऐसा मान के लोग हतोत्साहित भी करते रहते हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये फैक्ट है और इससे सोशल और जो असर्शन है, सोशल जो डाइवर्सिटी है, भागीदारी है, उसके तहत भी राज सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, आपके पास इकोनॉमी नहीं है, मीडिया नहीं है, जुडिशियरी में आप नहीं है, तो आपके लिए असंभव है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो सत्ता है वो एक साधन है, साध्य नहीं है। इट इज ए मींस टू एन एंड, इट इज नॉट एंड इन इटसेल्फ। इसलिए मुझे लगता है कि पहले जो भी आ जाए, जैसे शिक्षा लोग कहते हैं तो शिक्षा हमने ले ली लेकिन कितनी लेंगे, उसी तरह सत्ता हमने ले ली तो कितनी लेंगे। तो मुझे लगता है कि पहले शिक्षा हमने ले ली है, अब इसके साथ साथ हम राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर शिक्षा और राजनीति एक साथ आ जाएगी तो फिर वो सभी दरवाजे खोल सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का जो भारत है वो एक राजनीतिक सत्ता केंद्रित, पॉलिटिकल पावर हैज बिकम द सेंटर, और पावर जो है वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, कहीं ना कहीं सत्ता हस्तक्षेप करती है, और उस हस्तक्षेप से जो है काफी पॉलिसी बनती है, प्रोग्राम बनती है। तो इसलिए हमें लगता है शिक्षा हमने ले ली है, सत्ता की तरफ हम उन्मुख हैं, और एक बार नहीं कई बार ली है, तो मुझे लगता है कि उसी ओर और आगे बढ़ जाना चाहिए। साथ साथ आप देख रहे हैं टेलीविजन वाले आ गए हैं, यूट्यूबर्स बहुत हैं, साहित्य वाले आ गए हैं जिन्होंने आत्मकथाएं लिख दी हैं, महिला आंदोलन आ गया है, और अब तो डायस्पोरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वहां पर भी आंदोलन हो रहा है दलित। एक बार फिर से आपके इस ग्लोबल अचीवमेंट के लिए नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से बधाई सर। धन्यवाद कि आपने इसका संज्ञान लिया और राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने स्थापित करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।